नमस्कार, स्वागत है आपका इन खबर में। मैं हूं ऋषि सिंह आपके साथ। भारत और कनाडा के रिश्तों में पिछले कई दिनों से दरार पड़ी हुई थी, जिसको लेकर कनाडा की तरफ से भारत पर कई तरह के आरोपबाजी भी की जा रही थी। ऐसा माना जा रहा था कि आने वाले समय में भारत और कनाडा के बीच कभी भी कुछ भी ठीक नहीं हो पाएगा, लेकिन अभी की बात करें तो माहौल बदल गया है। जी हाँ, भारत ने आज से वीजा सेवाएं जारी करने का ऐलान कर दिया है। भारत ने बुधवार को कहा कि वो गुरुवार से कनाडा में कुछ सेवाएं फिर से शुरू करेगा। कनाडा ने भारतीय उच्च आयोग में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि प्रवेश वीजा, बिजनेस वीजा, मेडिकल वीजा और कॉन्फ्रेंस वीजा की सेवाएं 26 अक्टूबर से फिर से शुरू होंगी। दरअसल विदेश मंत्री एस जयशंकर ने रविवार को कहा था कि अगर भारत कनाडा में अपने राजनयिकों की सुरक्षा में प्रगति देखता है तो वो बहुत जल्द कनाडाई लोगों के लिए वीजा सेवाएं फिर से शुरू करने पर विचार करेगा। बता दें कि कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो द्वारा 18 सितंबर को आरोप लगाए जाने के बाद भारत और कनाडा के बीच संबंधों में खटास आ गई थी। ट्रूडो ने आरोप लगाया था कि भारतीय एजेंटों और जून में ब्रिटिश कोलंबिया में खालिस्तानी अलगाववादी हरदीप सिंह निज्जर कांड के बीच संभावित संबंध था। हालांकि भारत ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया था। इसके कुछ दिनों बाद भारत ने कनाडाई नागरिकों को वीजा जारी करने के लिए अस्थायी रूप से निलंबित करने की घोषणा की थी और ओटावा से भारत में अपनी राजनयिक उपस्थिति को भी कम करने के लिए कहा था। इसके अलावा आपको बता दें कि भारत और कनाडा के रिश्तों में आए दरार पर ट्रूडो के विपक्षी नेता पियरे ने इस पर ट्रूडो को तंज भी कसा था। उन्होंने कहा कि अगर मैं प्रधानमंत्री होता तो भारत के साथ कभी भी रिश्ते खराब नहीं करता। साथ ही उन्होंने टीढ़ी तरीके से चुनौती भी दी। उन्होंने बयान में कहा कि अगर मैं प्रधानमंत्री बनता हूँ तो भारत के साथ रिश्ते ठीक कर लूंगा, क्योंकि भारत आज के समय का उभरता हुआ देश है। इसी के साथ भारत की तरफ से भी कनाडा के झूठे आरोपों के चलते करारा जवाब दिया गया था। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इस पर कनाडा से ये भी कहा था कि अगर उनके पास कोई पुख्ता सबूत हैं तो वो पेश करें, जिसको लेकर कनाडा के हाथ खाली थे। इसके अलावा हमने ये भी देखा कि किस तरह कनाडा में मंदिरों को तोड़ा गया और इसको लेकर भारतीय राजनयिक को निलंबित कर दिया था, जिसको लेकर भारत सरकार ने कनाडा के राजनयिक को निलंबित कर कनाडा की वीजा सेवाओं पर रोक लगा दी थी। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। जल्द वापस आएंगे तमाम जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।